Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be covering the next topic of information system design and implementation as per the syllabus of Punjab University Chandigarh for BCA third semester, that is second year. So in today's lecture we will discuss few points about system development lifecycle, that is SDLC. You can say this is the base of your subject. Means whatever we study in SDLC, we will be covering in detail each and every step of SDLC in further classes. So in today's lecture I'll be discussing only the general concepts. Main sirf aapko generally samjhaunga ki SDLC, what is SDLC, and what are the different steps, or we can say what are the main steps of SDLC. In the next lecture onwards we will discuss as per the content of the book that you are following for your exams. To abhi ke liye hum main sirf aapko generally discuss karunga jo uski actual content hai ya actual uske steps hain, formal steps hain we can say. To we will discuss those in the next classes. So let's start first with the SDLC. Here S can either stand for software or system. S का मतलब यहाँ पे software भी हो सकता है और system भी हो सकता है. But because your subject is information system, so we will be dealing with the system word. क्योंकि आपका जो subject है वो information system है, तो हम system word के साथ deal करेंगे. So D for development, आपने उसको develop करना है. Life cycle कि उसका जो development का साइकिल है, उसकी डेवलपमेंट की जो लाइफ है, उस साइकिल में कौन कौन से आपके स्टेप्स आते हैं. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल सीधी सी लेकर चलते हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है. ठीक है, तो आप जनरली सोचना है कि आपको जब वो सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप उसको कैसे बनाओगे, तो उसको हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल. जैसे मैं ही आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने कोई प्रोग्राम बनाना है. ठीक है, पहला स्टेप आपका कोई टीचर है, आपको बोल देता है आपने कोई प्रोग्राम बनाना है. ठीक है, मैं बोलूँगा आपको आपने प्रोग्राम को बनाना है. ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा कि सर प्रोग्राम क्या बनाना है. ठीक है, आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, प्रोग्राम क्या बनाना है, दैट इज व्हाट इज टू बी डेवलप्ड, क्या बनाना क्या है. मींस कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स तो बताओ. अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताओगे तो हम बनाएंगे क्या. ठीक है, सेकंड मैं क्या बोलूँगा, ठीक है आपने प्रोग्राम बनाना है, मैंने आपको आंसर दे दिया सेकंड कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, मैं बोलूँगा कि आपने प्रोग्राम बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बना दो कॉलेज का जिसमें फ़ीस भी मेंटेन हो जाए, बच्चों के जो क्लासेस हैं वो भी लग जाएँ, गूगल क्लासरूम भी उसमें अटैच हो जाए, और उसमें जो है मूडल भी अटैच हो जाए, उसमें लाइव क्लासेस भी चलती रहें, उसमें आप रिकॉर्डेड वर्सन भी डाल सको, जो बच्चों को फीस भी पता चल जाए कि उनकी फ़ीस कितनी रहती है, उनको अटेंडेंस भी पता चल जाए, उनके अटेंडेंस भी हो जाए. तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स तो मैंने दे दी, पर मैंने क्या आपको रिक्वायरमेंट दे दी, सब कुछ बोल दिया जो मेरे को पता था. ऐसा ही आपके साथ जो कस्टमर करता है, जब आपको कस्टमर आपको बोलता है कि सॉफ्टवेयर बनाना, वो आपको इसी तरह रिक्वायरमेंट्स देगा जैसे मैंने आपको दे दी. वो क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स आपकी क्लियर कट नहीं होती. ठीक है, जो उसको जो जो पता है, क्योंकि ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसको जो जो लगता है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपको बताता जाता है. ठीक है, तो इट मीन्स आपको क्या करना पड़ता है, उस रिक्वायरमेंट का प्रीलिमिनरी एनालिसिस करना पड़ता है. एनालिसिस करना पड़ता है मतलब आप उसको सोचते हो, उसको एनालाइज करते हो, उससे एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो निकलवाने की आप क्या कोशिश करते हो कि भैया आपने बहुत कुछ बता दिया, मेरे को एक एक करके बताओ, मेरे को इतना समझ आ रहा है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहते हो, साथ के साथ आप जो है फ़ीस को भी ऑनलाइन लेना चाहते हो, और आप चाहते हो कि बच्चों को जो है ऑनलाइन फ़ीस का उनको पता चल जाए कि हमारी इतनी फ़ीस पेंडिंग है या इतनी हमने दे दी है. मेन आपका मुद्दा यही है. तो कस्टमर आगे से बोलेगा हाँ जी, फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप पूछोगे आपकी क्लासेस कैसे लगती हैं, आपके कौन कौन से आपके पास क्लासेस हैं, उनके कितने सब्जेक्ट हैं, कितने टीचर हैं, वो उनको वो कितने लेक्चर्स डेली के ले सकते हैं, या बच्चे कितने लेक्चर्स उनको अलाउड है सुनना. ठीक है, फीस उनकी हर क्लास की कितनी होती है. मींस यू विल डू प्रीलिमिनरी एनालिसिस,
उसमें आप उसको एक्चुअल प्रॉब्लम जो है उसकी आइडेंटिफाई करके बता देते हो, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर देते हो, आप उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देते हो और उसको बता देते हो कि भैया तेरी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले क्या आ गया, हमें पता होनी चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले हमें पता होनी चाहिए रिक्वायरमेंट, फिर हम उसका एनालिसिस कर देते हैं, एनालिसिस के बाद हम उसको एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद प्रॉब्लम जब हमारी प्रीलिम एनालिसिस हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं भैया तेरे इतने पैसे लगेंगे। ठीक है, टीचर को तो चलो आप नहीं बोलोगे, जब आप कस्टमर के केस में होगा, कस्टमर जब आपको बोलेगा कि ये प्रॉब्लम, आप बोलोगे भैया आपका लगेगा 20,000 या आपका लगेगा 5 लाख और आपको एक सर्वर भी लेना पड़ेगा स्पेशल जिस पे आप ये डाटा अपलोड करोगे, आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट भी चाहिए, आपने ये सारी चीज़ें बोल दी उसको। तो अब वो बोलेगा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या आप ये चीज़ कम कर दो या ये चीज़ कम कर दो। तो आप क्या बता रहे हो, उसको फिजिबिलिटी बता रहे हो कि जो आपने प्रॉब्लम बताई है उसके फिजिबल सोल्यूशन ये हैं, उनमें इतना पैसा लगेगा, उसके लिए ये आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, ये आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, आप उसको उसकी डिपेंडेंसी सारी बता दोगे। तो ये क्या कहते हो आप, फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, आपने उसको बता दिया कि इतने तेरे पैसे लगने हैं, इतना तेरे को ये सामान लेना पड़ेगा, ऐसा ऐसा आपको अलग से इसके लिए ये वाला सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो वो बोलेगा ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो आपके साथ जो है थोड़ी बहुत आपके साथ क्या बोलते हैं उसको, कि वो बोलेगा ये चीज़ कम कर दो, ये नेगोशिएट करेगा वो। ठीक है, कि आप ये चीज़ कम कर दो, ये बढ़ा दो, मैं इतने पैसे नहीं खर्च सकता, आप ये लैंग्वेज यूज़ कर लो, ये कर लो, इसमें मेरे पैसे बच जाएंगे। मतलब वो आपके साथ जो नेगोशिएशन कर लेगा फिजिबिलिटी के साथ, बाद में वो आपको कन्फर्म कर देगा कि आपने सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है, जो आपकी डील हो जाती है वो डन हो जाती है, डील आपकी यहाँ पे डन हो जाती है कि आप एक्चुअल में सॉफ्टवेयर बनाओगे। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद आप क्या करते हो, फिर सिस्टम को इन्वेस्टिगेट। आधा तो आपने यहाँ पे कर लिया, सिस्टम इन्वेस्टिगेट करते हो, आधा तो यहाँ पे आपने कर लिया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि इसको ये प्रॉब्लम है। अब वो तो उसने तो बता दिया मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब वो बोल देगा कि जो टीचर है वो दिन के 4-5 लेक्चर ले सकता है, 6 लेक्चर ले सकता है। ठीक है, उसने तो बोल दिया, वो बोलेगा जो स्टूडेंट है जी उसके 8 लेक्चर लगातार लगा दो। मतलब उसने तो आपको, आपने प्रीलिमिनरी एनालिसिस में ये समझ लिया कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसने आपको प्रॉब्लम भी काफ़ी कुछ बता दी, पर आपने उसको एक्चुअल में इन्वेस्टिगेट करना है कि वो प्रॉब्लम स्टेप आपने उसके जो है कह लो कि उसका जो वर्किंग है वो आपने क्लियर करनी है। तो वर्किंग कैसे क्लियर करोगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, आप टीचर्स से जाके उनके रजिस्टर चेक करोगे कि वो रजिस्टर में कितने लेक्चर लेते हैं, एक्चुअल में कितने लेते हैं, कितने घंटे का उनका वो क्लास होती है, या आप उनका इंटरव्यू लोगे, या आप वहाँ पे जाके उस कॉलेज को देखोगे 10-12 दिन, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे काम होता है। ठीक है, मीन्स आप सिस्टम को एक्चुअल में इन्वेस्टिगेट करोगे, क्योंकि आपने उस सारे सिस्टम को, फिजिकल सिस्टम को किस में लेके आ जाना है, सॉफ्टवेयर में लेके जाना है। मतलब जो जो काम वो फिजिकली करते हैं उन सभी को आपने किसके थ्रू कराना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कराना है। तो आप उसको सिस्टम को जो है इन्वेस्टिगेट करोगे। अब इन्वेस्टिगेशन आपने की तो आपको उसको अगेन क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। अब ये जो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपने टेक्निकली आप समझ लोगे कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको आपने, आप उसका फ्लो चार्ट सा बना लोगे, या आप उनका जो है आपको डेटा स्ट्रक्चर कौन सा चाहिए, या आपको टेबल्स कैसे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको पीछे बैकएंड में टेबल्स ही बनाने पड़ेंगे ना, स्टूडेंट का अलग टेबल बनाओगे, डेटाबेस बनाओगे, टीचर का अलग बनाओगे, टेबल्स अलग अलग बनेंगे, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, टीचर का क्या चाहिए, उनका रोल नंबर चाहिए, टीचर की टीचर आईडी चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, बच्चों का रोल नंबर चाहिए, क्लास चाहिए। तो ये आप जो उसका सिस्टम एनालिसिस टेक्निकल कर लोगे। अब सिस्टम एनालिसिस जब आपका हो गया, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, डिज़ाइनिंग। उसके बाद आप क्या करते हो, डिज़ाइन। डिज़ाइन मींस आपका ये आपकी एप्लीकेशन बनेगी, यहाँ पे टीचर जो है वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद उसको इस साइड पे उसको सारी अपनी क्लासेस दिख जाएंगी कि वो उसको BCA पढ़ानी है, उसको BSc पढ़ानी है, अलग अलग क्लासेस दिख गई। अब BCA पे जब वो क्लिक करेगा तो उसको सारे स्टूडेंट्स दिख जाएंगे, अगर वो स्टूडेंट पे क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट ने ये क्लासेस लगाई हैं, उसकी अटेंडेंस आ जाएगी और उसका ये सब्जेक्ट है उसमें इतने इतने मार्क्स आ गए। तो ये सारा जो आपने बनाया ये क्या हुआ, आपका डिज़ाइन। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ तक सिस्टम एनालिसिस ही किया, यहाँ पे आपने डिज़ाइन किया।
कि आपका फॉर्म कैसा दिखेगा, आपका जो आउटपुट है वो कैसी आएगी, फाइनल आपकी आउटपुट कैसे आएगी, उसका क्या फ्लो होगा, फ्लो चार्ट कैसा बनेगा, एक के बाद दूसरी चीज़ क्या आएगी, इस तरह आप उसका डिज़ाइनिंग कर देते हो। ठीक है, डिज़ाइनिंग करने के बाद लास्ट में या इसके बाद जो स्टेप होता है वो आप करते हो कोडिंग। फिर आप कोडिंग करते हो, कोडिंग के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए होती, कोई भी लैंग्वेज आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली फिलहाल के लिए अभी आपको क्या दिया जाता है, आपको प्रोग्राम दिया जाता है, आप बिना सोचे समझे सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद ख़त्म। रीज़न बीइंग आपने ना सोचा, ना आपने सिस्टम एनालिसिस किया कि आपको कितने वेरिएबल चाहिए, कितने फंक्शन चाहिए, ना आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझा, ना आपने उसको डिज़ाइन किया, आप सीधा कोडिंग करना शुरू कर देते हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। पर एक्चुअल जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसके लिए इतने सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। मतलब कोडिंग तो हम तब करते हैं जब हमें सब कुछ क्लियर होता है कि हमने करना क्या है, तब हम कोडिंग पे चले जाते हैं, हम डायरेक्टली कोडिंग पे कभी भी जंप नहीं करते। जब हमने कोडिंग कर ली सॉफ्टवेयर की, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसे, आउटपुट हमने जैसे हम प्रोग्राम चेक करते हैं, आपने इंटीजर को प्लस कर दिया, हम फ्लोट की वैल्यू डाल देंगे जानबूझ के, मतलब हम उसको टेस्ट करते हैं कि जो आउटपुट हमने सोची थी वो एज इट इज़ आउटपुट आ भी रही है या नहीं आ रही, दैट इज़ नोन एज टेस्टिंग। अब इनके आगे काफ़ी टाइप्स है, कोडिंग के भी कुछ स्टेप्स होंगे, डिज़ाइन के भी आगे टाइप्स होंगे, टेस्टिंग के लिए ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग के बाद क्या करते हो आप, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उस सॉफ्टवेयर को बना के उसके सिस्टम पे जाके आप उसको इंस्टॉल कर देते। अब जब उसके सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया, आपने उसको ट्रेनिंग दे दी, भैया ये सॉफ्टवेयर है, ये आपने जो जो बोला था हमने उसके अकॉर्डिंग बना दिया है, आप इसको भी यूज़ करो। अब वो जो यूज़ करेगा तो उसको 100 प्रॉब्लम फिर से आएंगी, या उसकी हो सकता है तब तक की रिक्वायरमेंट ही चेंज हो चुकी हों, कुछ उसकी माइनर चेंजेस हों। तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप क्या करते हो, मेंटेनेंस। लास्ट में आप क्या करते हो, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस के बाद जो है ये इवैल्यूएशन की जाती है। इवैल्यूएशन मतलब जितना खर्चा किया था उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर आपके आउटपुट दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, ये चीज़ें आप इवैल्यूएट करते हो। तो आप देख सकते हो कि जब आप सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका ये लाइफ साइकिल है, इतना कुछ उसमें चलता है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं। अब इसको आप सॉफ्टवेयर की छोड़ दो, आप ये हर जगह करते हो, आप कोई लैपटॉप खरीदने की बात कर लो पहले, तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट देखोगे, मुझे रिक्वायरमेंट किसके लिए, मुझे गेम्स खेलनी है या मुझे स्टडी करनी है या मुझे क्या करना है। उसके बाद प्रीलिमिनरी एनालिसिस आप देखते हो कि मुझे भैया इतने खर्चा करना है, इतना मुझे अलाउड होगा, तो वो हो गया प्रीलिमिनरी एनालिसिस। ठीक है, मुझे डेल का लेना है, मुझे इसका लेना है, उसके लेना है, ये आप उसका एनालिसिस कर लेते हो, या आप उसमें भी डिटेल में चले जाते हो कि मुझे यार गेम्स तो थोड़ी खेलता हूँ मैं, ये चीज़ें ज़्यादा खेलता हूँ, तो मैं ऐसा कंप्यूटर ले लूँ जिसमें गेम्स भी चलती रहे और ये चीज़ें ज़्यादा चलें, या गेम्स ज़्यादा चले दूसरी चीज़ें कम चले, तो आप प्रीलिमिनरी उसका एनालिसिस कर लेते हो। उसके बाद आप फिजिबिलिटी दे लेते हो कि मेरे को इतना पैसा खर्चना है, या मेरे को ये जलंधर से मिलेगा, अगर इसको खरीदना है तो मुझे USA जाना पड़ेगा, तो आपको USA वाला तो फिजिबल नहीं रहेगा, आप यहीं से चंडीगढ़ से ले लोगे, तो आपको क्या फिजिबिलिटी आप देख लेते हो कि आपको कहाँ से लेना है, कितना खर्चा करना है, फिजिबिलिटी आप देख लेते हो। उसके बाद चलो सिस्टम इन्वेस्टिगेशन तो आप यहाँ पे नहीं करते, अगर करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे जाके लैपटॉप को देख लेते हो, चेक कर लेते हो कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद उसका आप डिज़ाइन भी देख लेते हो, इसको एग्जैक्ट तो हम नहीं मैच कर पाएंगे, फिजिकल सिस्टम है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसका आप डिज़ाइन वगैरह चेक कर लेते हो। ठीक है, डिज़ाइन करने के बाद उसको वहाँ पे आप चला के भी थोड़ा बहुत देखते हो, यानी कि उसको टेस्ट भी कर लेते हो आप। टेस्ट करने के बाद उसको खरीद के ले आते हो घर पे, यानी कि उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या उसमें कोई नया हार्डवेयर लगाना, तो आप उसकी मेंटेनेंस भी कर लेते हो। बाद में उसके आप हिसाब किताब लगाते हो कि मैंने 50,000 लगाया था तो 50,000 का मेरे को कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज़ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये होता है आपका SDLC। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हैं मैंने आपको सिर्फ जनरल वे में बताई हैं, इसका जो डिटेल्स में हम बात करेंगे एज़ पर द कंटेंट ऑफ द बुक इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट फिलहाल आपने इतना समझ लेना जनरल लैंग्वेज में, जब आपको कोई पूछे तो आपको जो मेन जो पता होना चाहिए, जैसे हम जो मेन लिखते हैं इनके जो फंक्शंस लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं कि सबसे पहले होता है आपका रिक्वायरमेंट, कि आपको रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। देन यू डू एनालिसिस, हम सीधा ही वर्ड यूज़ करते हैं एक एनालिसिस के, रिक्वायरमेंट के बाद उसके एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में आपके फिजिबिलिटी स्टडीज़ को बोलते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हो या फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हो रिक्वायरमेंट के बाद कि आपको फिजिबल भी है या नहीं है। उसके बाद आप एनालिसिस करते हो, एनालिसिस भी बोलते हैं, कोई एनालिसिस बोलता है, आप एनालिसिस करते हो। देन यू डू डिज़ाइन, आप उसको बाद डिज़ाइनिंग करते हो। देन आप टेस्टिंग करते हो, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते हो, और लास्ट में आप उसकी मेंटेनेंस करते हो। तो ये बेसिक से स्टेप्स होते हैं।
तो डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं पहले रिक्वायरमेंट हमें गैदर करनी है, उसके बाद प्रिलिमिनरी एनालिसिस करना है, देन फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। ठीक है, आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो रखा होगा कि रिक्वायरमेंट में सबसे पहले जो यूज़र है वो रिक्वायरमेंट बता देता है, पर वो बहुत ज़्यादा बता देता है, तो आपको उसको पहले समझना पड़ता है, प्रिलिमिनरी एनालिसिस करना पड़ता है कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद उसको बताते हो कि इतना खर्चा होगा, इसकी ये लीगल इम्प्लीकेशन हैं या आपकी कुछ कॉस्ट की हैं या आपको कुछ हार्डवेयर लेना पड़ेगा अलग से, तो वो फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है। अगर वो डील डन कर देता है उसके बाद आप एक्चुअल में सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करते हो, उसके उसने तो बता दिया पर आप खुद जाके उसको चेक करते हो कि ये है क्या चीज़ है, कैसे चलता है आपका सिस्टम। उसके बाद उसको आप टेक्निकल एनालिसिस या खुद के लिए करते हो, आप उसका DFD बना लोगे या उसका डेटा स्ट्रक्चर्स या टेबल आप डिसाइड यहाँ पर कर लेते हो कि हमने क्या करना है। उसके बाद आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हो कि आपने उसका लॉगिन फॉर्म कैसे बनाना है या वो फॉर्म्स कैसे दिखेंगे, उसकी आउटपुट कैसे दिखेगी, फाइनल आउटपुट क्या आएगी। फिर उसकी आप कोडिंग करते हो, देन यू डू टेस्टिंग, एंड टेस्टिंग करने के बाद आप उसको कंप्यूटर वहाँ पे जाके इंप्लीमेंट कर देते हो, सॉफ्टवेयर की exe फाइल दे देते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो executable फाइल आप जब देते हो जहाँ पे उसको वो इंस्टॉल करता है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करता है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। उसके बाद उसको आप मेंटेनेंस देते हो, अगर उसमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशन है तो आप करके दे देते हो, और लास्ट में जो है वो इवेल्यूएट खुद करते हैं या आप भी इवेल्यूएट कर सकते हो, आपका जो कस्टमर है वो भी इवेल्यूएट करता है कि मैंने इतना खर्चा किया था, मुझे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ हेल्प, इसका कुछ बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई हैव जस्ट डिस्कस द जर्नल SDLC, वट आर द स्टेप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। We will be discussing in detail each and every step of SDLC in further classes. So just keep these things in mind so that you can relate the actual details with the general one. Okay, thank you. Thank you very much.